वाले मधुमती बंगले का चौकीदार। क्या हुआ है मेम साहब? मेरी गाड़ी अचानक खराब हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। क्या तुम ठीक कर सकते हो? नहीं मेम साहब, इस वक्त ये ठीक नहीं हो सकती। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? नहीं मेम साहब, आप मेरे साथ बंगले में चलिए। मैं यहीं रुकूंगी। यहाँ रुकना खतरनाक है। खतरनाक? खतरा इंसानों का नहीं, खतरा उन दूसरी चीजों का है जो यहाँ घूमती रहती है, जिन्हें अंधेरी रात का और बरसात का कोई डर नहीं लगता। चलिए मेम साहब, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। आइए। थैंक गॉड यहाँ फोन है, कम से कम मैं फोन करके टैक्सी मंगा सकती हूँ। ये फोन चल नहीं रहा है। जी हाँ, फोन डेड है, यानी कि मर चुका है। मुझे तो लगता है हम इस वीरान बंगले में फंस गए हैं। लेकिन अब आप आ गई हैं तो वक्त गुजर जाएगा, जैसे कि फिल्मों में होता है वैसे ही हो गया। अंधेरी रात, तूफानी बारिश, एक मुसाफिर एक बंगले में फंसा हुआ और इतने में। देखिए, मेरा तो सवेरे तक राजापुर गांव पहुंचना बहुत जरूरी है। राजापुर? जी। मुझे भी उसी के पास वाले गांव में जाना है, चलो साथ में चलेंगे। तो प्लीज कुछ कीजिए ना। भयानक रात में निकलना मुश्किल है। दरअसल मेरे डैडी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, वो वहाँ बिल्कुल अकेले हैं। मेरा तो जल्द से जल्द सवेरे तक वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। आई एम सो सॉरी, लेकिन आज तो पॉसिबल ही नहीं है। आप घबराइए नहीं, कल कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। वैसे मेरा नाम आकाश है, मैं स्पार्क मैचेस में सेल्स मैनेजर हूँ। डीलर से मिलने के लिए अक्सर इस इलाके का दौरा करता हूँ। ओह, तो क्या आपकी भी गाड़ी खराब हो गई है? गाड़ी? यहाँ गाड़ी कौन लाएगा? मैं तो एसटी बस से जा रहा था और हाईवे पर ट्रैफिक जाम था। ड्राइवर ने बस इस सड़क से मोड़ दी। पता नहीं मैं क्यों बस से उतर गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ दूर पर मकान है। इतने में जोरदार बारिश हुई और मैं रास्ता भटक गया और बस भी चली गई। और अचानक कहीं से ही आदमी आया और मुझे यहाँ ले आया। मुझे तो ये सारा बंगला ही डरावना लगता है। वो कुल्हाड़ी देखी? यहाँ तो अपने चेहरे से पट्टी उतार दो। वामा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे ये पट्टी उतारने को मत कहा करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे सामने भी ये पट्टी नहीं उतार सकता। हमें इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। इससे अच्छा तो सुबह तक गाड़ी में बैठे रहते। जाने और कितना चलना पड़ेगा? जब तक कोई ठिकाना ना मिल जाए बस चलते रहना पड़ेगा। वैसे ये जगह है कैसी? इससे ज्यादा सुनसान और भयानक शायद ही कोई जगह होगी। मामा, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे आसपास कोई है, कोई अनजान शक्ति। देखो, सामने रोशनी दिखाई दे रही है। देखा ना मामा, मैंने जब भी कुछ महसूस किया है तेरा शक गलत नहीं होता। ये लो, दो और लोग हमारी तरफ बारिश के शिकार हुए। आइए, मेरा नाम आकाश है, आपका नाम? अपने काम से काम रखो, हम यहाँ दोस्ती करने नहीं आए। हमारी गाड़ी यहाँ से 50 फीट दूर खराब हो गई, राइट? गाड़ी में कोई खराबी नजर नहीं आती, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, राइट? क्योंकि आज की रात
यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खराब हो रही है और इसीलिए हम सब यहाँ पर फंस गए इस बंगले में। तो अपना सामान भी गाड़ी में। रात गुजारने के लिए कमरा मिलेगा, जो भी किराया होगा मैं दे दूंगा। किराया नहीं चाहिए, आप ऐसे ही यहाँ रह सकते हैं। आपकी गाड़ी की चाबी यहाँ दीजिए, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। आइए ना, आप अंदर आइए। आइए ना, आइए, यहाँ हीटर के पास आइए, वरना ठंड लग जाएगी। मैंने कहा ना, काम से काम रखो, मुझे ये सब बर्दाश्त करने की आदत है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप इतने अजीब तरीके से क्यों पेश आते हो। सच बात तो ये है कि किसी अजीब वजह से हम सब यहाँ फंस गए। आज की रात कुछ अच्छा नहीं होने वाला। क्या इत्तेफाक है कि हम सबकी गाड़ी एक ही जगह खराब हो गई? इत्तेफाक नहीं है, कोई शक्ति हमें यहाँ पर खींच लाई। मतलब तुम नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझेंगे, बड़ा अजीब आदमी है। इन्होंने अपनी आंखों पर काली पट्टी क्यों बांध रखी है? शायद अंधा होगा। अंधे होते तो काला चश्मा पहनते, काली पट्टी नहीं। यार, जो कुछ भी हो रहा है मेरी तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। नाउ लुक हियर लेडी, मैं चाहे आंखों पे पट्टी बांधूं या चेहरे पे नकाब डालूं, व्हाट द हेल इससे आपको क्या करना है? देखिए, ये कुछ अजीब सी बात है, सिर्फ इसलिए मैडम प्लीज। वाह मां, ठीक है। देखिए मैडम, आप इन सब बातों को नहीं समझेंगी। आप क्या समझते हो, हम लोग सब बेवकूफ हैं? जब से आए हो पहलियों में बातें कर रहे हो। कभी कहते हो कि आप खतरा महसूस करते हो और कभी कहते हो कि हम लोग खुद से नहीं आए, कोई अद्भुत शक्ति हमें ले आई। आपको ये पूछा था कि आपने आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी, आपको बताना है तो बताइए, वरना देखिए प्लीज आप इन्हें अकेला छोड़ दीजिए, ये पता। बाबा बाबा प्लीज होल्ड ऑन, विल यू। देखो मिस्टर, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बात समझ पाओगे? बताओ, बताओ तो सही। इसका संबंध है अद्भुत शक्तियों से। अद्भुत शक्ति? यस, सुपरनैचुरल पावर्स। अद्भुत शक्ति। क्या क्या समय है। शहर से दूर अंधकार में डूबा एक वीरान बंगला और उसमें एक भयानक चौकीदार। बंगले के बाहर बिजली कड़क रही है और जोरदार बारिश हो रही है। ऐसे में भूत की कहानी सुनाने का मजा ही कुछ और है। क्यों मिस्टर, मैंने ठीक कहा ना? बेवकूफ बेवकूफ, मैं किसी भूत की कहानी नहीं सुना रहा, मैं अद्भुत शक्तियों की बात कर रहा हूं, सुपरनैचुरल पावर्स। मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। भूत प्रेत अद्भुत शक्तियां, ये सब कहानी है, कोई हकीकत नहीं। अच्छा बताओ, क्या आप लोगों ने कभी भूत देखा है? नहीं साहब, अद्भुत शक्तियां होती है और इनसे हमारा जिंदगी में वास्ता पड़ता है साहब, वास्ता पड़ता है। ये ठीक कह रहा है, खुद मेरे साथ एक अजीब बात हुई है। अजीब? क्या मतलब? अद्भुत शक्ति जो खुद मैंने महसूस की है। खुद महसूस की? और अजीब बात यह है कि उसमें भी अंधे लोग शामिल थे। नहीं, ये अंधे नहीं, ये तो क्या हुआ था मेम साहब, बताइए ना। मैं पेशे से एक डांसर हूँ। पिछले महीने डांस रिहर्सल के दौरान मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पैर में चोट आई थी। देखिए नारायण, आपका एक्सरे देख लिया, हड्डी टूट गई है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं प्लास्टर चढ़ा दूंगा
एक हफ्ते में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब अगले हफ्ते मेरे डांस का एक प्रोग्राम है, क्या मैं तब तक ठीक हो जाऊंगी? अभी तो आप आराम कीजिए एंड होप फॉर द बेस्ट, ओके? डॉक्टर साहब, हाँ? क्या आप मुझे कोई दूसरा कमरा नहीं दे सकते? ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड अंधों के लिए है, बाकी सारे वार्ड मरीजों से भरे हुए हैं। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको यहाँ जगह मिल गई, और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है। डॉक्टर साहब प्लीज, मुझे तो यहाँ बहुत घबराहट हो रही है, जैसे ही किसी दूसरे कमरे का इंतजाम हो प्लीज आप मुझे वहां शिफ्ट कर दीजिए। ओके, मैं कोशिश करूंगा, अभी आप आराम कीजिए, ठीक है? दूसरे दिन एक वार्ड बॉय मुझे एक दूसरे कमरे वार्ड नंबर 9 में ले जाने के लिए आया, मगर अचानक ही बीच में गायब हो गया, और न जाने क्यों अगले दिन वो फिर आ गया। हाँ मैडम, 9 नंबर रूम में एक जगह खाली हो गई, चलिए आपको ट्रांसफर करना है। तुम कल रात को कहाँ गायब हो गए थे? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, और तुमने डॉक्टर साहब को क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे रूम नंबर 9 में शिफ्ट कर रहे हो? उन्होंने ही कहलवाया है कि रूम नंबर 9 में जगह खाली हो गई है और आपको वहाँ जाना है, जल्दी कीजिए वरना जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन आप फिर से गायब मत हो जाना। अच्छा, नीता जी आज आप फिर निकल पड़ी, इतनी रात को कहाँ जा रही हैं आप? डॉक्टर साहब आप ही ने कहलवाया था ना कि रूम नंबर 9 में जगह खाली है, ये वार्ड बॉय मुझे वहीं लेके जा रहा है। वार्ड बॉय? हाँ, ये किधर है वार्ड बॉय? वार्ड बॉय कहाँ गया? अभी तो नहीं था। वार्ड बॉय मेरी समझ में नहीं आता ये कौन सा वार्ड बॉय है जो आपको रूम नंबर 9 में ले जाना चाहता है। नर्स एक काम करो, सारे वार्ड बॉयज को बुलाकर यहाँ लाइन में खड़ा करो, और नीता जी को पहचानने दो वो कौन सा वार्ड बॉय है जो इन्हें रूम नंबर 9 में ले जाना चाहता है। मैं भी देखता हूँ ये क्या बात है। साहब इनमें से कोई नहीं है। लेकिन सारे वार्ड बॉयज यहाँ हैं जो इस विंग में काम करते हैं। नीता, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मुझे लगता है तुमने कोई सपना देखा है। डॉक्टर साहब मैंने कोई सपना नहीं देखा। वो हॉस्पिटल का ही वार्ड बॉय था जो मुझे रूम नंबर 9 में शिफ्ट कर रहा था। इस हॉस्पिटल का कोई भी वार्ड बॉय तुम्हें रूम नंबर 9 में शिफ्ट नहीं कर सकता। मगर क्यों? तुम जानती हो रूम नंबर 9 क्या है? नहीं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुर्दा घर। अब बताओ इस हॉस्पिटल का कोई भी वार्ड बॉय तुम्हें यहाँ कैसे शिफ्ट कर सकता है? ये मुर्दा घर है, तुम जिंदा हो, जिंदा। ओह गॉड, मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। डॉक्टर आप प्लीज मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। डिस्चार्ज? इस हॉस्पिटल में सब कुछ गड़बड़ है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। अब आप बताइए इसे क्या कहा जाए। कुछ नहीं, हाँ बस एक कहानी। वैसे आप अच्छी कहानी बना लेती हैं। वाह, आपको तो डांसिंग छोड़कर उपन्यास लिखने चाहिए, जैसे स्टीफन किंग लिखता है वैसे। यह कोई मजाक की बात नहीं है, एक संकेत है, एक अपशकुन। कैसा अपशकुन? मेरी तरह तुम्हें भी आने वाले खतरे का पहले से ही एहसास हो जाता है, इसीलिए तो
हॉस्पिटल में वो आपकी कहानी सुनकर तो उधर फोन भी जाग उठा। हेलो हेलो, ब्लैंक कॉल, शायद कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन एक बात अच्छी हुई, अब हम फोन करके टैक्सी को बुला सकते हैं। यहाँ से कोई जा नहीं सकता। क्या तुमने क्यों नहीं आ सकता? मैं अभी फोन करके टैक्सी को बुलाता हूँ। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस? हाँ जी, मुझे टैक्सी चाहिए, चिंचोली जाना है। नहीं नहीं, मुझे पता है मौसम खराब है, लेकिन आप मैं आपको मीटर से 1000 रुपये ज्यादा दे दूंगा। एड्रेस? हाँ एड्रेस चाहिए। एड्रेस क्या? मधुमती बंगला, मधुमती बंगला 41 मानखेत रोड, 41 मानखेत रोड। बस कितनी देर में? 2 घंटे में। आज अब हम 2 घंटे बाद इस मनोज जगह से निकल जाएंगे। कह रहा था यहां से कोई नहीं जा सकता, देखा मैंने रास्ता निकाल ही दिया। तो रघु साहब, आप किसी चेतावनी के बारे में कह रहे थे। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूं कि कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आप ये बताइए कि आप आंखों पर पट्टी क्यों बांधते हैं? हाँ बताइए ना, आप अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधते हैं? नीता देखो, तुम्हारी और मेरी कहानी तकरीबन मिलती जुलती है, इसलिए मैं तुम्हें सुनाता हूं। मैं देख सकता हूं, इसके बावजूद मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, क्योंकि मैं वो नहीं देखना चाहता जो मैं देख सकता हूं। करीब 2 साल पहले जब मैं एक एड फिल्म डायरेक्ट कर रहा था। कब तो साफ नहीं करके रखते, एडवर्टाइजिंग फिल्म है, यू हैव टू बी केयरफुल। तुम अपनी तरफ से रेडी हो एकदम? ओके, लिसन, इस साल का हमको बेस्ट एडवर्टाइजिंग अवार्ड मिलना ही चाहिए। डेफिनेटली सर। फ्रेम क्या? फ्रेम देखूं मैं? नहीं नहीं यार, थोड़ा 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 लेफ्ट लो, थोड़ा लेफ्ट लो, ये रखना फ्रेम। ओके, और तुम्हारा क्या हाल है भाई, तुम एकदम रेडी हो? देखो एक चीज का ख्याल रखना, जब मैं स्टार्ट कैमरे के बाद 5 4 3 2 1 कहूं, फायर कहूं, उसके बाद ही फायर करना है, उसके पहले नहीं करना। ओके, दिस हैज टू बी ब्लडी गुड शॉट। तुम रेडी हो? वेरी गुड। चलो बॉयज, पे अटेंशन एवरीबॉडी, वी आर गोइंग फॉर टेक। स्टार्ट कैमरा, क्लैप, आउट। ओके, वी आर गोइंग फॉर टेक 5 4 3 2 1 5। वंडरफुल सर, क्या ब्लास्ट था, मजा आ गया, क्लासिक। सर ये देखिए, ये सब कांच के टुकड़े आपके चेहरे से निकाले गए। ये तो अच्छा हुआ कि कांच के टुकड़े ज्यादा जोर से नहीं लगे, वरना कुछ भी हो सकता था। कुछ भी मतलब? कुछ भी मतलब कुछ भी, आप पागल हो सकते थे ना, आपको पैरालिसिस हो सकता था, यहां तक कि आप मर भी सकते थे। डॉक्टर साहब, मुझे कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा? यही कोई 1 हफ्ते पर? दरअसल डॉक्टर साहब, मैं एक एड फिल्म शूट कर रहा था जिसके दौरान ये हुआ, कैंपेन ब्रेक होने वाला, सिर्फ 15 दिन की डेडलाइन। तो मिस्टर मनोज, आर यू रेडी? आई एम रेडी, कम ऑन। ठीक है, तो जरा आप टायर उठा के दिखाइए। ओके फाइन, देखिए आप जरा पोजीशन, थोड़ा थोड़ा और ऊपर लीजिए। ठीक है, अच्छा थोड़ा इसके इधर आइए, आगे आइए। नहीं हो रहा इसमें,
नहीं नहीं और थोड़ा ऊपर देखिए आप। अच्छा ठीक है, थोड़ा और सीधे खड़े हो लिए। अच्छा क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा आगे आइए। वेरी गुड, थोड़ा मैचो लुक सर। ठीक है सर। स्टॉप इट, वन मिनट। क्या हुआ सर? मनोज कहाँ है? ये है मनोज सर। मुझे दिखाई नहीं दे रहा सर। सर ये 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 मनोज सर, ये है मनोज। मुझे सिर्फ मनोज की आवाज आ रही है। आप सर क्या मजाक कर रहे हैं सर? मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे मनोज दिखाई नहीं दे रहा।